लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अलग राग अलापना बंद करें। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव दुष्टों का नाश करें, ब्रह्मदेव दैत्य माता दीदी पर कृपा करें। पुत्र, इनके यहाँ रहते तो हमारी शिव आराधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। क्यों ना हम भी पुत्र तारकाक्ष के समान हिमालय के किसी अज्ञात प्रदेश में चले जाएं? नहीं माता, नहीं। भैया तारकाक्ष इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से हिमालय के अज्ञात प्रदेश में गए हैं। हम बिना दैत्य गुरु के आज्ञा के इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। परंतु इनके यहाँ रहते हुए हमारी आराधना असंभव है पुत्र। इनकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, अब इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। शिव आराधना के योग्य वातावरण बनाने के लिए इनका कोई न कोई उपचार तो करना ही पड़ेगा। माता श्री, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन्हें उठाकर इसी समय अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूं। इनकी दुष्टता के अंत का यही एकमात्र उपाय है। विलंब न करो पुत्र, शीघ्र इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दो। ठहरो पुत्र, आराधना और तपस्या करते समय किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। ऋषि कश्यप के आश्रम में रहकर ये रहस्य मैं भली भांति जानती हूँ। माता, हम इनकी आराधना में बाधा न पहुंचाएं, इन्हें कष्ट न दें और ये हमारी आराधना खंडित करते रहें। इनके दुष्कर्म इनके साथ, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ, ऐसा ऋषि कश्यप कहते हैं। यदि हम सच्चे मन से आराधना करेंगे तो इनके बाधा हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। माताश्री का कथन सत्य है पुत्र, हम इनकी उपेक्षा करके अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। जो आज्ञा माताश्री। पवनदेव, परमदेव श्री महागणेश की आराधना की उपेक्षा करना अनुचित है। इंद्र उसी उपेक्षा का परिणाम भुगत रहा है, स्वर्ग से निकलकर इधर उधर भटकता फिर रहा है। देवी अदिति का कथन उचित है, आराधना करते समय मन को अपने आराध्य के चरणों में लीन कर देना ही उचित होता है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो परिणाम कभी भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। पवनदेव, तुम सबको अपना यथा योग्य स्थान प्राप्त करने के साथ ही इंद्र की भूल का प्रायश्चित भी करना होगा। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों पवनदेव को उपदेश देने के बहाने मुझे अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसे उपदेशों को सुनते सुनते मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। देवराज, आप अचानक कहां चले गए थे? आपको इस प्रकार परमदेव श्री महागणेश के पुण्य धाम का त्याग नहीं करना चाहिए था। हम सभी आपके लिए चिंतित थे, आप कहाँ गए थे देवराज? अपने साथ हुए अन्याय की दुहाई देने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश गया था। क्या कहा महादेव ने? उन्होंने अपने तर्क से मेरे साथ हुए अन्याय को मेरी ही भूल सिद्ध करने का प्रयास किया। श्री गणेश और देवी पार्वती ने भी मुझे स्वर्ग लौट जाने का परामर्श दिया। स्वर्ग लौट जाने का? परंतु स्वर्ग में तो यही तो मैंने भी कहा था,
कि स्वर्ग में भयासुर है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? तो भोलेनाथ ने अवश्य ही तुमसे कहा होगा कि यदि अहंकार और अभिमान का त्याग कर परम देव श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग जाओगे तो भयासुर तुम्हारा स्वागत करेगा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगलमूर्ति श्री गणेश का आदेश मान लेना चाहिए। कैसे मान लूं माता, कैसे? तुम्हें भयासुर से भय करने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, वो तो परम देव श्री महागणेश का परम भक्त बन चुका है, हर एक को बंधु भाव से देखता है। अब आप दोनों भी मुझे वही 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 पाठ पढ़ाने लगे, मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक वो दुष्ट और भयानक भयासुर स्वर्ग से हटाया नहीं जाएगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो इस पुण्य धाम में बैठकर हम सबके साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। नहीं, मैं उनकी आराधना नहीं करूंगा। तुम यहाँ रहकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना नहीं करना चाहते, भगवान शिव के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम मौन क्यों हो इंद्र? कहो, कहो क्या कहना चाहते हो तुम, कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, परंतु महागणेश की आराधना और आप सबका उपदेश सुनने के लिए यहां नहीं रुकूंगा। देवी अदिति, ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के शोभ ने इंद्र के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। स्वामी, इंद्र को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देवी, आइए। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ओम परम देवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना के इन सामूहिक स्वरों ने मेरे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जगह दी। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवर्षि, नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आज आपके अनायासी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अनायास? अनायास तो नहीं देवर्षि, आप तो स्वयं ही दर्शन पाने के लिए पुकार रहे थे। मंगल मूर्ति, सत्य तो ये है कि देवी अदिति के आश्रम से आते आराधना के इन सामूहिक स्वरों से मेरा मन महागणेश की भक्ति में लीन हो गया और मैं उन्हें पुकारने लगा। और आपकी पुकार सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब कहें आपको क्या कहना है? मंगल मूर्ति, आपने देवराज इंद्र को कैसी विचित्र बुद्धि प्रदान की है? भयासुर से बिना पराजित हुए ही वे अपने आप को पराजित मानकर स्वर्ग छोड़कर भाग निकले, और तो और वे अपने माता पिता का आश्रम त्याग कर वन वन भटक रहे हैं। देवर्षि, आप यह कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? नारायण नारायण, विचित्र प्रश्न, ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? देवर्षि, परम देव श्री महागणेश किसी को भी भटकने वाली बुद्धि प्रदान नहीं करते, वे तो हर एक के मन में धैर्य धर्म भक्ति और विवेक की ज्योति जलाते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, उपेक्षा और भटकाव तो व्यक्ति के अहंकारी मन की उपज होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में अपने पूज्य और आराध्य के प्रति निराधर का भाव जन्म लेता है, तब बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ देते हैं। सत्य वचन गौरी पुत्र, सत्य वचन। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते ही हर एक की उपेक्षा और हर एक का निरादर करने लगते हैं। इतना ही नहीं देवर्षि, देवराज इंद्र स्वर्ग से भागकर देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हे गौरी पुत्र, कृपया करके आप मुझे इतना भी बता दें कि देवराज इंद्र की भ्रमित बुद्धि आगे और क्या क्या करेगी। देवर्षि, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ।
क्योंकि आपके प्रश्न तो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो यहाँ आपकी आराधना के फल स्वरूप एक विशेष कार्य के साथ यहाँ प्रकट हुआ हूँ। विशेष कार्य? आज्ञा करें मंगल मूर्ति। देवर्षि, क्या आपको तारकासुर के तीनों पुत्रों के नामों का स्मरण है अथवा नहीं? मैं भला उन तीनों के नाम कैसे भूल सकता हूँ, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। यदि आपको उनके नाम का स्मरण है तो उनके कारण जन्मी समस्या का भी ज्ञान होगा। तारक पुत्रों के कारण जन्मी समस्या? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, मुझे वो सब ज्ञात नहीं है। तारक पुत्रों ने भगवान शिव के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। अब शिव पुत्र होने के कारण वह समस्या मुझे चिंतित कर रही है। देवर्षि, हे बुद्धि निधान मंगल मूर्ति, आपकी इन रहस्य भरी बातों का अर्थ मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा करके आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं। देवर्षि, यदि विशेष कार्य के इस रहस्य को चैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। श्री गणेश, वो तो हमसे बहुत दूर है। देवर्षि, शिव कृपा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य दूर रहकर भी किसी की भी बातें सुन सकते हैं, इसीलिए मुझे यह रहस्य आपके कान में बताना पड़ेगा। मंगल मूर्ति, आप समझिए कि ये विशेष कार्य संपन्न हो ही गया। देवर्षि, मैं माता पार्वती की आगे लिए बिना ही कैलाश से अदृश्य होकर यहाँ चला आया। अब मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा क्योंकि माता को रुष्ट होने में देर नहीं लगती। मुझे भी तुरंत स्वर्ग पहुँचना होगा क्योंकि आपको भी रुष्ट होने में देर नहीं लगेगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महा, ये सब क्या हो रहा है मूर्ख भयासुर? ओम महागणेशाय नमः। क्या इसीलिए हमने तुम्हें स्वर्गलोक भेजा था? क्या तुम पूरी असुर जाति को श्री महागणेश का भक्त बना देना चाहते हो? ओम महागणेशाय नमः। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा मूर्ख भयासुर। जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता वो भयानक संकटों में घिर जाता है। तू मेरी उपेक्षा की भूल ना कर भयासुर। ओम महागणेशाय नमः। सावधान भयासुर, मेरी उपेक्षा और क्रोध का परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा। ओम महागणेशाय नमः। दुष्ट मूर्ख बुद्धि भयासुर, श्री महागणेश की भक्ति का ढोंग करके तू अब मेरा अधिक अपमान नहीं कर सकता। मेरा शाप तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान करवा देगा। ओम महागणेशाय नमः। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, गंग 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 गंग, ये क्या नाटक कर रहे हैं आप? शाप के लिए अपने उठे हाथ को कृपया रोकें। देवताओं के ऋषि नारद मुनि, तुम यहाँ? नारायण नारायण, यहाँ ही नहीं दैत्य गुरु, जहाँ जहाँ धर्म का अनुचित कार्य होगा वहाँ वहाँ नारद धर्म की उचित शिक्षा देने प्रकट हो जाएगा। तुम मुझे धर्म की उचित शिक्षा दोगे नारद? तुम, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है? क्रोध के कारण बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो गई है दैत्य गुरु। नारद, नारायण नारायण, सत्य को सुनकर आप उत्तेजित ना हो दैत्य गुरु। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आप शाप देकर धर्म का अनुचित कार्य ही कर रहे हैं। देवताओं के ऋषि को दैत्यों की विशिष्ट बातों में रुचि लेने का कोई अधिकार नहीं है नारद। अधिकार का प्रश्न ना उठाए दैत्य गुरु। क्यों? जब दैत्य और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देवताओं की विशिष्ट बातों में हस्तक्षेप नहीं करते तो तुम क्यों कर रहे हो?
क्योंकि आपकी आंखें दैत्यों का हित चिंतन और उनकी स्वार्थ पूर्ति के आगे देख ही नहीं पाती, जबकि हम प्रभु कृपा से जीव और जीव में कोई भेद नहीं समझते। जीव चाहे मानव हो, दानव हो अथवा देवता हो, नारद की दृष्टि सभी के लिए समान रहती है। नारायण नारायण। मुझे नीति ज्ञान पढ़ाने की भूल न करो नारद। मेरे बालपन में ही नीति ज्ञान के समस्त शास्त्र और पुराणों का अध्ययन मैं भली भांति कर चुका हूँ। बढ़ती आयु के साथ साथ स्मृतियाँ क्षीण होने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालपन में पढ़ा हुआ नीति ज्ञान अब आप भूलने लगे हैं? अब नारायण नारायण। नारद, तुम अपनी मर्यादा को लांघने जा रहे हो। नहीं नहीं दत्त गुरु, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। मैं तो केवल इतना कहने के लिए प्रकट हुआ हूँ कि एक तपस्यारत व्यक्ति को शापित करके आप उसे तनिक भी हानि नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि उसकी तपस्या के प्रभाव से आपका शाप उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और हो सकता है कि शाप के दुष्परिणाम से आप अपनी ही शाप शक्ति से हाथ धो बैठे। नीति ज्ञान के इस अध्याय को आपने बालपन में अवश्य पढ़ा होगा दत्त गुरु। नारद, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कहीं तुम मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे हो? नारायण नारायण दत्त गुरु, नीति और ज्ञान के आप जैसे विद्वान को भला ये तीन ही नारद कैसे भ्रमित कर सकता है? जैसे आप दैत्यों के ऋषि हैं, वैसे ही मैं देवताओं का ऋषि हूँ। एक ऋषि दूसरे ऋषि की सहायता अवश्य कर सकता है, भ्रमित नहीं। देवर्षि, ये मूर्ख भयासुर मुझे भयानक कष्ट दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी मूर्खता महान असुर जाति का नाम डुबो देगी। नारायण नारायण। वैसी गुरु, आपका नीति ज्ञान वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। श्री महागणेश की कृपा से इस समय आपने अदृश्य होकर मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसने आपके नीति ज्ञान को प्रमाणित कर दिया है। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। भाग्यशाली भयासुर, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, मैं उन्हीं परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश का विशेष संदेश लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। जय जय श्री महागणेश। वधु, आप क्षमा कीजिएगा, आराधना की लीनता के कारण मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। अब आप कृपा करके मुझे शीघ्रता से श्री गणेश का संदेश सुना दीजिए। अवश्य भयासुर अवश्य। कहे देव ऋषि, मैं गौरी पुत्र श्री गणेश का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मित्र भयासुर, गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे सावधान रहने को कहा था और कहा था कि ये संदेश भयासुर को एकांत में ही सुनाना। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। चकित ना हो देव ऋषि, मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश से वरदान प्राप्त है। अपनी इच्छा से मैं जिन्हें प्रकट कर सकता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा से अदृश्य भी कर सकता हूँ। अब आप शीघ्र ही मुझे संदेश सुनाए। भक्तराज भयासुर, तो मैं शीघ्र ही त्रिपुर पहुंचना होगा। त्रिपुर? हाँ त्रिपुर। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर इन त्रिपुरों का निर्माण दैत्य शिल्पी मय दानव से करवाया है। तुम इन त्रिपुरों को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। परंतु इन त्रिपुरों में जाकर मैं क्या करूँगा? मैं तो यहाँ स्वर्ग में अपने आराध्य श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता को मैं भली भांति जानता हूँ भयासुर। भक्ति से अधिक प्रसन्नता किसी भी जीव को किसी अन्य कार्य में नहीं मिल सकती। परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा है कि तुम त्रिपुर जाकर तारकासुर के पुत्रों को स्वर्ग आने का निमंत्रण दो। स्वर्ग आने का निमंत्रण? परंतु क्यों? भाई, इस क्यों का अर्थ तो गौरी पुत्र श्री गणेश ही जानते होंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हर जीव के साथ में तुम्हारा बंधुभाव स्थापित हो, इसीलिए गौरीपुत्र श्री गणेश ने तुम्हें त्रिपुर जाने का संदेशा भेजा है। बंधुभाव? हाँ 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 हाँ,
गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे बंधु भाव की शिक्षा भी दी थी। मैं त्रिपुर अवश्य जाऊंगा और तारक पुत्र को स्वर्ग आने का निमंत्रण भी दूंगा। ना ना, निमंत्रण ही नहीं, तुम्हें उनके भीतर स्वर्ग पाने की कामना जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः।